मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गियर्स के बारे में बात करेंगे। मैं गियर्स के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स बताऊंगा और उसके लिए मैं मदद लूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स की, यानी कि इस वीडियो में हम गियर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसके साथ में आने वाले सब गियर्स के बारे में आपको डिटेल से उसके बेसिक्स बताते जाऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु, मैं हूं अंकित। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं गियर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, जानते हैं कि आखिर गियर्स को किस तरह क्लासिफाई किया गया है। जिस शाफ्ट में गियर्स लगे हुए हैं उन शाफ्ट का एक्सिस किस तरह है, उस तरह से सबसे पहले गियर्स को क्लासिफाई किया गया है। जिन दो शाफ्ट के बीच में मोशन को ट्रांसमिट करना है उन दो शाफ्ट का एक्सिस तीन तरीके का हो सकता है। या तो वह दोनों शाफ्ट पैरेलल हो सकते हैं, या तो वह दोनों शाफ्ट इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, या फिर वह दोनों शाफ्ट ना ही पैरेलल होंगे ना ही इंटरसेक्टिंग होंगे। तो ये तीनों कंडीशंस में, ये तीनों शाफ्ट के एक्सिस की कंडीशन के लिए अलग अलग गियर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दो पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए किस गियर का यूज होता है। दो पैरेलल शाफ्ट और दो कोप्लैनर शाफ्ट, पैरेलल यानी कि दोनों की एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, और कोप्लैनर यानी दोनों शाफ्ट एक ही प्लेन में लाई करते हैं, उन दोनों का प्लेन एक ही है। तो उस केस में वह दोनों शाफ्ट में मोशन ट्रांसमिट करने के लिए हम स्पर गियर का यूज करेंगे। मेरे बगल में आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्पर गियर में जो गियर के टीथ रहते हैं वह पैरेलल रहते हैं व्हील के एक्सिस, या फिर आप बोल सकते हैं शाफ्ट के एक्सिस के, वह टीथ पैरेलल रहते हैं। और अगर यह टीथ पैरेलल नहीं रहते, कुछ एंगल में रहते हैं, जैसे आप मेरे बगल में डायग्राम में देख सकते हैं, तो उस केस में इस गियर को हेलिकल गियर कहा जाता है। हेलिकल गियर भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगल हेलिकल गियर्स और डबल हेलिकल गियर्स, और डबल हेलिकल गियर्स को ही हम हेरिंग बोन गियर भी कहते हैं। तो दो शाफ्ट जिनका एक्सिस पैरेलल रहेगी उनको कनेक्ट करने के लिए स्पर गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर, या फिर इसे ही हेरिंग बोन गियर भी कहते हैं, इनका यूज किया जाता है। अब अगर दो शाफ्ट पैरेलल नहीं है लेकिन वह दोनों शाफ्ट इंटरसेक्टिंग है, वह दोनों शाफ्ट एक दूसरे से जाके मिल रहे हैं, तो उस केस में हम वहां पे बीवल गियर का यूज करते हैं। लेकिन जरूरी है कि दोनों शाफ्ट का प्लेन सेम होना चाहिए, दोनों शाफ्ट एक ही प्लेन में होने चाहिए। बीवल गियर में जो गियर व्हील रहता है वह थोड़ा टेपर्ड रहता है, जिसके कारण इस गियर से आप इंक्लाइंड शाफ्ट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और बीवल गियर में भी टीथ दो तरीके से अरेंज होते हैं, स्ट्रेट टीथ बीवल गियर भी रहते हैं, और अगर टीथ इंक्लाइंड होते हैं तो उन्हें हेलिकल बीवल गियर कहा जाता है। और अगर दो शाफ्ट जो ना ही पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी दोनों का प्लेन ही अलग अलग है, तो उन दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम स्क्रू बीवल गियर या स्पाइरल गियर्स का यूज करते हैं। स्क्रू बीवल गियर में या स्पाइरल गियर में जो गियर व्हील रहता है उसे टेपर्ड सिलेंडर के शेप का बनाया जाता है, जिसके कारण वह ऐसे शाफ्ट को भी कनेक्ट करने के काम आता है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो पैरेलल भी नहीं है, जो अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं, वैसे शाफ्टों को भी आप स्पाइरल गियर की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो गियर रोटेट कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, उस हिसाब से भी गियर्स को क्लासिफाई किया गया है। इसमें आते हैं लो वेलोसिटी गियर्स, मीडियम वेलोसिटी गियर्स और हाई वेलोसिटी गियर्स। वह गियर्स जिनकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से कम रहती है उन्हें हम लो वेलोसिटी गियर कहते हैं। 3 से 15 मीटर पर सेकंड यानी 3 से 15 मीटर पर सेकंड के बीच में वेलोसिटी से रोटेट होने वाले गियर्स को हम मीडियम वेलोसिटी गियर्स कहते हैं, और 15 मीटर पर सेकंड यानी 15 मीटर पर सेकंड से ज्यादा वेलोसिटी में रोटेट होने वाले गियर्स को हम हाई वेलोसिटी गियर्स कहते हैं। उसके बाद गियरिंग का टाइप क्या है, गियरिंग किस तरह से की गई है, उस हिसाब से भी गियर्स को क्लासिफाई किया गया है। इसमें आता है एक्सटर्नल गियरिंग, इंटरनल गियरिंग और रैक एंड पिनियन। एक्सटर्नल गियरिंग में जैसे आप मेरे बगल में डायग्राम में देख सकते हैं, गियर्स एक्सटर्नली मैच रहते हैं, यानी बाहर से एक दूसरे से गियर मैच रहते हैं और पावर को ट्रांसमिट करते हैं। जब दो गियर एक्सटर्नली मैच रहते हैं तो जो बड़ा गियर रहता है जनरली हम उसे स्पर व्हील या स्पर गियर कहते हैं, और जो छोटा गियर रहता है उसे हम पिनियन कहते हैं। और एक्सटर्नल गियरिंग में जो दोनों व्हील्स रहते हैं उनके मोशन अपोजिट रहते हैं, यानी कि अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसके बाद आता है इंटरनल गियरिंग। इंटरनल गियरिंग में दो गियर्स इंटरनली अंदर से ही एक दूसरे के मैच रहते हैं, मेरे बगल में आप देख सकते हैं। इंटरनल गियरिंग अरेंजमेंट में जो बड़ा गियर रहता है उसे हम एन्यूलस कहते हैं,
और जो छोटा गियर रहता है उसे हम पिनियन कहते हैं। और इंटरनल गियरिंग में हमेशा जो दोनों गियर्स का मोशन रहता है वह सेम रहता है, यानी कि अगर एक गियर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। कभी कभी इस तरह भी होता है कि एक गियर एक्सटर्नली मैच रहता है और दूसरा गियर इंटरनली मैच रहता है, और दूसरा गियर एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में रहता है। इस तरह के गियर को हम रैक एंड पिनियन कहते हैं। जो स्ट्रेट लाइन गियर रहता है उसे हम रैक कहते हैं, और जो सर्कुलर गियर रहता है उसे हम पिनियन कहते हैं। रैक एंड पिनियन की मदद से आप रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गियर्स को उनके टीथ की पोजीशन के हिसाब से भी क्लासिफाई किया गया है, जैसे स्ट्रेट टीथ, इंक्लाइंड टीथ और कर्व टीथ गियर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्पर गियर्स में स्ट्रेट टीथ रहते हैं, हेलिकल गियर्स में इंक्लाइंड टीथ रहते हैं, और स्पाइरल गियर के केस में कर्व टीथ रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने गियर्स के बारे में बेसिक्स बात की, गियर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, किस तरह गियर्स को क्लासिफाई किया गया है, और उसके हिसाब से मैंने आपको गियर्स के बारे में बेसिक जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।